आपसे तो हमारा रिश्ता दूसरे तरह का है। एक मंच पर नीतीश कुमार और आनंद मोहन, जदयू ज्वाइन करेंगे बाहुबली सांसद आनंद मोहन। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आनंद मोहन लगता है कि बहुत जल्दी जदयू ज्वाइन कर लेंगे। नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए आनंद मोहन ने नीतीश कुमार की तारीफ की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आनंद मोहन की जमकर तारीफ की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन के बुलावे पर उनकी पैतृक गांव सहरसा जिले के पनगछिया गांव पहुंचे, जहां दोनों एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहुबली नेता आनंद मोहन के दादा और स्वतंत्रता सेनानी रहे राम बहादुर सिंह और चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और पुत्र तथा राजद के विधायक चेतन आनंद भी मौजूद रहे। वहीं पर लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आनंद मोहन के बुलावे पर मैं आप लोग के बीच आया हूं। पहले हमारी दोस्ती कैसे थी आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि हम तो आपके समर्थक हैं, जो आपकी इच्छा है आप करिए, आपको जिस तरह की राजनीति करनी है। आपसे तो हमारा रिश्ता दूसरे तरह का है, जिसे मैं हमेशा निभाऊंगा। अब इस बात पे चर्चा होने लगी कि क्या आनंद मोहन जदयू ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने आनंद मोहन की लोगों के एकजुट करने की भी बात कही। नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद द्वारा क्षेत्र के बताई गई समस्याओं को भी समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि आप आइए, इसके समाधान के लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा। इस दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी नीतीश कुमार के जमकर तारीफ की और आनंद मोहन और नीतीश कुमार एक साथ लंबे समय के बाद एक मंच पर आने और एक दूसरे के तारीफ किए जाने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है। आनंद मोहन जल्द ही जदयू में शामिल हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आनंद मोहन का परिवार के लोग आरजेडी से नेता हैं और उनके खुद के बेटा चेतन आनंद भी विधायक हैं, जो कि आरजेडी से हैं। लेकिन वहीं पर अब नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन की लगातार करीबी ये दिखा रही है कि आरजेडी से कहीं ना कहीं मनमुटाव दिख रहा है। और ये बात लालू परिवार को भी बहुत ज़्यादा खल रहा है कि कैसे आनंद मोहन नीतीश कुमार के इतने करीब आ सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं और इतना ही नहीं, एक दूसरे के तारीफ में खूब कसीदा भी पढ़ रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो जो जेल मेन्यू में बदलाव करते हुए नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई की रास्ता साफ की थी, उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि आनंद मोहन के दिल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना जगह बना लिए। उसके बाद फिर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने जिस प्रकार से राजपूतों को लेकर के विवादित बयान दिया राज्यसभा में, उसके बाद आनंद मोहन और मनोज झा की आपसी सहमति काफी ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव भी मनोज झा का खुलेआम समर्थन करते हुए उन्हें बहुत बुद्धिमानी बता दिए थे। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आरजेडी से आनंद मोहन का दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब खुलेआम नीतीश कुमार के साथ के करीबी और जदयू ज्वाइन करने की चर्चा काफी गर्माहट में चल रही है।